कोशिश हो सकता है हम लोग कर रहे थे, अब फैसला इंशाल्लाह होगा जब फिनाले होगा वहाँ पे पता चलेगा। और ये कपड़े लेके जा रही हूँ नीचे मम्मी को सरप्राइज देने धोने के लिए, क्योंकि ऊपर अभी इस पर कोई भी मेड नहीं है। यहाँ पे चल रहा है ये काम, इतने सारे कपड़े लेके तो आ रही हूँ, पता नहीं कोई धो लेगा। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें हमेशा अंगड़ाई क्यों रहती है? जब भी मैं आके कैमरा खोलती हूँ हमेशा ना सलाम ना दो उठी ना एकदम से पेपर तो कैमरे के सामने अंगड़ाई। बेटी खाला यहाँ पे नमाज पढ़ रही है, सब इतना सब फैला हुआ क्यों है? ये तुम्हारे देखो ये सब सिलने देना है, ये आपको धोना है। और हाँ इतने ठीक है धो देंगे। ऐसे तुम्हारे कपड़े रख रहे थे हम लचक के, ऐसे तो हमारी नस हो गई है वो हो जाती है, दर्द हो रहा था, अभी नमाज पढ़ने जा रहा था बैठ गए थोड़ी देर के लिए। अभी मत धुलना, ये रख दो नहीं बनेगा तो उनको दे। नहीं नहीं हम धो देंगे सब, ये धोने वाले वहीं रख दो। ये क्यों अब तक सो रहा है? अभी पेपर दे के आया है ना। रेहान उठो, कैसा वो पेपर? एग्जाम खत्म? अभी हम यहाँ पे फ्रेंड्स पियेंगे अपनी चाय, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि बन रही है हम सबकी फेवरेट कढ़ी। बन रही है कढ़ी भजिए का आटा, लोग बोलते हैं पकौड़े हम पकौड़े नहीं भजिए बोले, भजिए बोले। फ्रेंड्स मैंने आपसे एक बार और पूछा था भजिए और पकौड़े में क्या फर्क है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं समझ में आया कि भजिए और पकौड़े में क्या फर्क है। अभी डालेंगे ना जैसे खोलने में डालेंगे, बंद करके नहीं डालेंगे, मुलायम डालेंगे। नहीं आज ये लाल नया नया कप कहाँ से आया? छुपाए रखे थे सब, टूट जो खराब कर देती है ना, जो कल जैसे मैंने कहा सालों को एक दे दो, आज मैं लेके आ रही हूँ ठीक है, छोटे वाले ऐसे मीडियम ऐसे कप में चाय पीने का मन करता है। पहले मुझे कप दी तो ना पता नहीं है कहाँगा, मैं कटोरी मैं न पी हूँ कप पी हूँ कटोरी मैं न पी हूँ। अम्मा को भी कप ला देंगे ठीक है, थोड़ी सी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं भैया, इतने दिन से ये पार्सल आके रखे हो, ये तो आ जाए सोडियम खोल लेंगे तो खराब तो नहीं हो जाएगा? कौन सी लाइट? सोडियम लाइट। अब सोडियम से क्या मतलब है? हीलियम लाइट। हीलियम नहीं कौन सी लाइट? हाँ वो हीलियम तो खराब तो नहीं हो जाएगा फिर रमजान? नहीं वो नहीं खराब होगी, पैक कर देख रहे उसको दिखा दे दो पहले, जिसको मंगाना है वो पहले से मंगा, ऐसे खोल लो कि वो खराब ना हो। लाओ मैं खोल दूँ देखो। क्यों आपको क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती? बड़ी मुश्किल लगी तो खोल देना। तेरे शकल में साफ झूठ दिख रहा है। नहीं मैंने खोला है। चाकू है कि तमाशा है? इससे ज्यादा तुम लोग की जबान चलती है। बस 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 अब मैं बोलूंगी मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह रमजान करीम, रमजान की तैयारी होने लगी है माशाल्लाह फ्रेंड्स, और लाइट्स के बिना कैसे कोई खुशी का मौका होगा। ये आया है हमें हैंडमेड गिफ्टिंग की तरफ से, और आपको भी ऐसा कुछ अपना नाम लिखवाना हो रमजान के लिए, दिवाली के लिए, जो भी फेस्टिवल के लिए आपका आने वाला हो, अपनी वाली तो अभी अभी गई है ना, कोई बात नहीं, जो भी फेस्टिवल के लिए अपने लिए बर्थडे के लिए आपको बनवाना है तो आप इसे बनवा सकते हैं। अब हम आपको ये जला के दिखाते हैं ठीक है। ये देखिए लाइट बंद करें, अभी हम इसे पन्नी से नहीं निकाल रहे क्योंकि धूल मिट्टी में खराब हो जाएगी। थैंक यू सो मच आंचल हैंडमेड गिफ्टिंग। अब आपको बताना है कि हम ये लाइट कहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि आप हमारे ब्लॉग्स ध्यान से देखते हैं कि नहीं, पिछले कुछ ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम ये लाइट कहाँ यूज करेंगे, अपने घर के किस कोने पे। ये वाला हैम्पर आया है बुशरा की तरफ से, अभी बेडरूम तोड़ देना है। तो भैया बेडशीट तो अभी ये नॉर्मल वाली पड़ी थी, अभी अच्छी वाली जो हमारे सेट के हिसाब से मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छी लगेगी। आप बताइए लाइट अच्छी लगेगी या डार्क? घर से फ्री होके हम लोग पास में आए हैं ओबेरॉय मॉल, क्योंकि हमें कुछ कुछ चीजें लेनी थी, वहाँ पे हम लोग काफी लोगों से भी मिले और हमें सरप्राइज भी मिल गया। कॉल करके पहले पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड
दिन हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, किसी को भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बड़ी खतरनाक जगह जा रहे हैं, ये भी पता है। एक ही जगह जा जा के फिर मजा नहीं आता, पता नहीं लेकिन कैसा हुआ, खाना ठीक ठाक मिला। लेकिन ये जगह ढूंढी किसने? रेहान ने और सौरभ ने। अगर ये जगह खराब हुई तुम दोनों की खैर नहीं, पर ध्यान रखना खाने के लिए, ऐसा ना कुछ वहाँ पे सांप भी चुकाने को मिल जाए, अजीब अजीब से नाम है, अंग्रेजी वाला नाम, अंग्रेजी वाला खाना मिल जाए। फिर फ्रेंड हम लोग आ गए हैं होटल, यहाँ पर उन्होंने कहा खाना भी नहीं है, ऊपर बार है और बिना सूज के आपको वहाँ अलाउड नहीं है। अपना स्लिपॉन्स पहने हुआ था तो वो लोग जा ही नहीं सकते। इन लोग यहाँ हाथ हो गए हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे खाएं कि ना खाएं। 33 फ्लोर में है ऊपर, पर हम यही मर गए 33 फ्लोर के जिस नहीं जा रही है। एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, अगर हम लोग को वहाँ बैठने लायक होगा तो बैठेंगे, वरना फिर वापस ठीक है नीचे वाले रेस्टोरेंट में। हाँ, उसी में खा लेंगे। इत्तेफाक ऐसा कि आज मैं सूज पहन के, वरना मैं चप्पल में ही आता हूँ। बार हवाई चप्पल नहीं पहन के आ सकते, चाहे तुम कोई भी हो। बंद तो है ऊपर से, तो फिर बंद गए ना वो, एक स्टाफ को नहीं पता ना। भाई 33 फ्लोर में भाई ये ला रहे आपका रेहान, बस हम लोग देख कर आ जाए। कान बंद हो रहा है बस। आज अगर आप यहाँ पे आज चली गई अच्छे से लौट के आ गई तो आप प्लेट में ही बैठ आ गया। Moments later. जा सकते हैं देखने। सनी मैं आपको बुला रहा हूँ, ऊपर ही देखो। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर जैसे बही है, कोई रंग कहीं कोई सुनी, बात धीमे धीमे। चलो चलो ना आप। खुश कुछ पता नहीं चल रहा था कि आप 33rd फ्लोर में थी। देखा नहीं ज्यादा नहीं देखा, बस व्यू के लिए आया था, व्यू बहुत अच्छा था। हम भी रियाज से गुस्सा हो रही है कि ऐसी जगह क्यों, लेकिन ठीक है ना, बच्चे ना नई नई चीजें बताते तो अच्छा लगता है। सिर्फ हम लोग व्यू के लिए गए थे। कान बंद हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमें जो चाहिए था हमने व्यू देख लिया कि भैया मुंबई में ऐसा कोई ऊपर 33rd फ्लोर पे भी रेस्टोरेंट है, भले हमारे काम का नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन देख तो लिया। इंशाल्लाह बुर्ज खलीफा के ऊपर भी जाएंगे, इंशाल्लाह स्काईडाइविंग भी करेंगे। नहीं करेंगे, अम्मी बोल रहे हवाई जहाज से कूदूंगा वो अलग बोला, अम्मी करेगा ये बोल रहे दुबई जब जाएगा तो। अरे अभी तो छोटे हैं, अभी तो इलीगल है। चुप रहो, अब क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन बहुत से लोग कूदते हैं अम्मी। तुम पागल हो रही हो बेटा, ये जमीन है, अम्मी जमीन से जुड़े हुए हैं। तुमसे बहुत गुस्से में भी वॉशरूम में गई थी, बहुत डांट रही थी, बोल रही ऐसी जगह क्यों लेके आया, ऊपर फंस जाते तो क्या होता। नहीं आना चाहिए, सही बात है, टेक्नोलॉजी की एडवांस है, इतना बड़ा होटल बनाया तो कैसे हो सकते है। जगह भी जिनके जो आते उन्हीं के लिए बनाते हैं इंसान, एक इंसान के अलग अलग जगह बनाई जा रही है। कह रहा है मैं अकेले में कभी आऊंगा, पैसे कैसे पापड़ नहीं बनता? बनता है। क्या बात कर रहे हो बच्चा, कैसे इसे उठा लेते हैं चॉपस्टिक से, ये मुझे तो बनी नहीं रहा। रियान गूगल कर रहे हैं हाउ टू यूज चॉपस्टिक्स। जल्दी चला 33 फ्लोर पे। जो जूते पहन के आएगा वही अंदर घुसेगा, चप्पल खुली पहन के नहीं जा सकते लड़कों को। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही थी? पड़ी रहा बहुत, जब बेचे को लगा दे फोन का जी, नहीं पता चल रहा था मैं बहुत देर गई। हम भी आज सबको अपने एक्सपीरियंस बता रही है कि हम जो रूफ टॉप वहाँ पे चले गए थे ना AER, उसका एक्सपीरियंस बता रही है कि इतनी ऊपर हवा में चले गए थे। और ऐसी इंग्लिश बोल रहे थे, थोड़ी बहुत यहाँ आम लोग बोलते हैं, सीखी इंग्लिश बोलते हैं, सीखी हुई वो तो कहीं से पढ़ के आती है, बस लगे की मुँह चला रही है और पता नहीं बोल क्या रही क्या बोलती है। और यहाँ वाले कैसे बोलते हैं? अरे यहाँ बड़ा कुछ बीच बीच में थोड़ा समझ में आ जाते कि का शब्द लगा रही है, राइस बोल दिए, वो तो भाई कुछ पता नहीं बोल का रही है। तुम सबको बच्चे छोटी छोटी मिलने आई थी, ले गई बिल्डिंग में है कल मिले। तो फ्रेंड यहाँ पे बन रहा है रेडी हो रहा है मेरे लिए नाश्ता, कहाँ गया था? लास्ट अगली बार झलक में तू ही जाएगा।
दो मिनट के लिए बाहर क्योंकि मास बिल्कुल छोटे वाले घर पे खत्म हो चुके हैं, वो लेके आते हैं उसके बाद आके देते हैं रूम टूर। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वो नोज का मोटा वाला अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने एकदम पतला सा पहन लिया कि अब ये दिख ही नहीं रहा है। क्या मास्क लेने आते हैं फिर डन फ्रेंड, अभी मैं आ गया हूँ बाल बाल कटवा के, हमको देना है आपके बेडरूम का टूर। तो अभी हम इसको रेडी करते हैं, हम लेके आए लैंप बाहर से बेडरूम में लगाने के लिए। बल्ब हमने लगा दिया, बल्ब जैसे पहले ये जाएगा फिर बल्ब लगेगा। एक हो गया रेडी फ्रेंड, ये कर लिया रेडी, इसको लगाते हैं फिर दिखाते हैं। खोलो आ जाए। तोड़ देते हैं फ्रेंड्स, अभी बिना लाइट के इसलिए ऐसा दिख रहा है, फिर लाइट के बाद भी दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं साइड में हमें ये स्पेस मिल रही थी, तो यहाँ पे हमने लगाया मिरर। चल जा, ये स्पेस फ्रेंड्स हमें खाली मिल गई थी, तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर आ गया है। और ये चीज मैंने कुछ न्यू कराई थी, मेरा एकदम दिमाग हुआ कि जब हम कुछ भी लाइट से डिजाइन बना सकते हैं तो ऐसा कुछ लिखवा लेते हैं। सनी ने भी सजेस्ट किया था, ये तो अभी काफी दिनों से आ रहा था लेकिन ये मुझे थोड़ा न्यू लग रहा था तो ये करा लिया। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। तो यहाँ पे एक फुल जगह मिल गई है आउटफिट देखने के लिए। अभी हम लाइट जला देते हैं और यहाँ पे बन गया है हमारा बड़ा सा कवर, जो कि पहले बहुत छोटा था। तो हमने चेंजेस ये कराया है कि वही कवर को थोड़ा सा एक्सटेंड करा लिया है, इसका मायका चेंज करा लिया है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा लुक का आ गया है। हमें न्यूट्रल शेड्स में जाना था इसलिए हमने ये बेज टाइप का कलर चूज किया था। और पहले ये खुलने वाला था, अगर खुलने वाला होता तो स्पेस नहीं निकलता, फिर ये खुल नहीं पाता, यहाँ की जगह चली जाती, तो हमने इसको स्लाइडिंग वाला बनवाया। और यहाँ पे भैया सनी ने तो अपना सब कुछ सेट भी करा लिया है जैसे उसको चाहिए था। यहाँ पे मेरा सब कुछ सेट हो गया, ये वाला हिस्सा मेरा है, एक दो तीन नहीं नीचे वाला तुम्हारे आई। हाँ वो भी एक्स्ट्रा चीजों के लिए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे में बहुत ज्यादा स्पेस निकल आई है ना। अभी देखो ना, अभी मेरी शर्ट बिल्कुल प्रेस प्रेस करके टंगी, बस आओ नहाओ पहनो चल दो। और ये भी थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले छोटा था, इसकी भी लेंथ थोड़ा सा बढ़ गई है। ये रहा हमारा बेड वाला पोर्शन, बेड भी हमारा पुराना ही है फ्रेंड्स, सिर्फ हमने माइका चेंज कराया है, व्हाइट वाला ही था। और ये सिंपल सा बेड बेड बनवाया, ज्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं की है, ये नीचे से ऊपर तक हमने सेम कराया। चल गया, तो ज्यादा कुछ अभी स्टार्टिंग में एटलीस्ट कलर्स नहीं चाहिए थे, थोड़ा सा ऐसा बेसिक चाहिए था, तो हमने बेडशीट भी उसी कलर की ही डाली है, सिर्फ एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट के लिए ये डाला है। ये ज्यादा खतरनाक कलर हो गया, लाल लाल लगा, शुक्र है कि इसमें वो नहीं लगा, वो सितारा शाम मतलब वो तो यहाँ छुप जाता है। वो भी लाऊंगी कभी नेक्स्ट टाइम। फ्रेंड्स आप बताना कॉमेंट सेक्शन में मेरा फूल वाला तकिया कैसा लगा। और ये साइड वाला सेक्शन उसी तरह है, सिर्फ वो ग्रीन कलर का ये था, तो इसका कवर चेंज कराया है जिसमें हम ये बैठते हैं गद्दी में। और कर्टन फ्रेंड्स मुझे इस बार थोड़े डिजाइनर चाहिए थे, आपने हमेशा मेरे घर में देखे होंगे कि सिंपल सिंगल वाले लगे होते हैं, इस बार हमने शेयर कर्टन भी लगवाए हैं और ये थोड़ा सा लेस वेस भी लगवाई है। और ये सबका सबसे सस्ता वाला आइटम, ये 500 रुपए का एक लैंप है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक सा लग रहा है। यहाँ पे मुझे छोटे छोटे लैंप चाहिए थे लेकिन वो काफी महंगे आ रहे थे, मुझे ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, घर वाले भी आ गए तो उनको भी साथ साथ। आ जाओ भैया, ये क्या कपड़े लेके आए हो? धुल के दरवाजे भी खत्म कर दिए वाले? नहीं दरवाजे वही है, कुछ करवाया नहीं, वही है। अब नीचे नहीं आओगी तो कैसा लग रहा है? इतना अच्छा बन गया तो नीचे नहीं आओगी? अपने आप को जगह लगी सनी की तो पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई, ना तो सोल है पूरा बदल गया। लेकिन एक बात है, इस रूम में ना तो किसी का इंटीरियर है कोई दिमाग, ये सारा दिमाग उसी का है, क्योंकि हमारा तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो कलर से लेके और पर्दा पंखा लाइट जो भी है सब कुछ दिमाग उसी का है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू सब इब्राहिम। और हमने ये टीवी उस रूम से निकाल के यहाँ लगवा दी, ये टीवी है। वो रूम ही खाली हो गया, पहले आनी थी ना? नहीं नहीं नहीं। और अभी ये जो मेन पार्ट है हमारे रूम का पर्दा वाला, ये सब ये देखो आगे, आप लोग कैसा लग रहा है? कर्टन देर से बने लेकिन अच्छे लग रहे हैं मुझे, पूरे मैचिंग मैचिंग करिए, अच्छे लग रहा है, कोई चीज खराब नहीं है, अच्छा लग रहा है। इधर भी लगा है ऊपर का फ्रेंड्स, हमने ये लाइट्स लगवाई है, स्पॉट्स लाइट्स और बड़ी बड़ी लाइट्स, और ये गोल्डन वाला पंखा जिसकी हम बात कर रहे थे ये ऐसे जलता है। अब लगता है कि हाँ कोई बेडरूम है, नींद भी आती है, नीचे आ लेंगे ना लेकिन हाँ नीचे नहीं आओगे। आएगी आएगी।
लेकिन एक चीज तो है फ्रेंड्स, ये समझिए बेडरूम है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही, क्योंकि इंसान जब आराम से सोए तो उसको सुकून मिले। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेडरूम बना है कि जहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा सा बेड है, सामने आपको टीवी है, कम लाइट करनी है तो ये जला लो, यहाँ बैठना है तो ये कर लो, अब सही बना। सबसे अच्छी बात ये कि इस रूम में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, पुरानी चीजों को हमने बस सही करवा लिया। यहाँ पे खुफिया तिजोरी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अब तो सब पता चल गया, तो यहाँ पे कोई चीज रखी है तो बस यहाँ रख दो, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बेडरूम बनाने का सबसे मेन काम, सबसे अच्छी चीज की यहाँ पे वॉशरूम भी है, तो बस ये खुलेगा। हाँ ये खुल जाता है, खोल बाद में दिखाएंगे, जब वो सजाएंगे फिर दिखाएंगे। कैसा लग रहा है? इसमें पूरा बदल गया ना। वो कहाँ लिखाया तुमने, जो लिखाया था ये इधर देखो। अरे ये तो मुझे देखा ही नहीं था, मैंने देखा नाम लिखाया है। पूरा पंखे को भी देखो, वो शूरेक है फ्रेंड्स, वो पूरा बदल गया। अच्छा है ना, पूरा बेडरूम वाला फील आ रहा है, पूरा आ रहा है। हाँ ये बहुत अच्छी है, तो जैसे नहीं। हाँ ये देखो ना, इससे कितना अच्छा लुक आता है। अरे वाह, ऐसी होनी चाहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहे। अगर रूम अच्छा लगा हो तो सभा को बता देना, बहुत अच्छा। फिर कहें सभा के जहाँ सबका स्वागत है, सभा के जहाँ में सबका स्वागत, और सब्सक्राइब भी करें। हाँ वो सब्सक्राइब कर दें।